गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर जीके. एवरी फ्राइडे देयर इज अ जीके पीरियड एंड एवरी सैटरडे देयर विल बी मोरल साइंस पीरियड. सो ओपन योर जीके बुक जनरल नॉलेज फर्स्ट. ओके, जीके इज अ शॉर्ट फॉर्म एंड इट्स करेक्ट फॉर्म इज जनरल. GK is a short form of general. Today, we will read lesson 1, Famous Indians. We will read about the famous Indians in this chapter. Okay? Open your book on page number 1. Famous Indians. We usually admire people for their qualities. Why? Why these people are famous? Because they have good qualities. Good qualities they have. That's why we are remembering them. सभी लोगों की फोटो तो नहीं होते हैं क्या? सभी लोगों की फोटो छपते हैं बुक में? No. सभी को हम लर्न करते हैं? No. But these people, great Indians, have good qualities. है ना? These qualities inspire us. और जो क्वालिटीज होती है वो हमें भी सीखनी चाहिए, हमें भी समझनी चाहिए. आइडेंटिफाई मींस द पिक्चर्स ऑफ द ग्रेट इंडियंस विद द नेम्स. यूज हेल्प बॉक्स. अब देखिए आपका हेल्प बॉक्स लिखा है, इसमें 6 नेम्स लिखे हुए हैं. हमें इसमें डालना है फर्स्ट पिक्चर किसका है. जैसे 1 पिक्चर डली हुई है और उसके साथ एक सर्कल है, सबको दिख रहा है. सेकेंड पिक्चर बनी हुई है, सेकेंड सर्कल. फिर थर्ड पिक्चर बनी हुई है, थर्ड सर्कल. फिर फोर्थ पिक्चर बनी हुई है, फोर्थ सर्कल. फिफ्थ पिक्चर, फिफ्थ सर्कल. सिक्स पिक्चर, सिक्स सर्कल. अभी अभी वर्क नहीं कर रहे, ठीक है ना? फेमस इंडियंस. फर्स्ट पिक्चर किसकी है? कोई जानता है किसकी पिक्चर है? इसमें नाम लिख रखे, मैं पढ़ रही हूँ. मदर टेरेसा, पंडित रविशंकर, लाल बहादुर शास्त्री, सानिया नेहवाल, रविन्द्रनाथ टैगोर, APJ अब्दुल कलाम. किसकी पिक्चर है बताओ? जानते हो? ये पिक्चर है लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी बर्थडे हम कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को. महात्मा गांधी की बर्थडे भी 2 अक्टूबर को आती है और लाल बहादुर शास्त्री की बर्थडे भी 2 अक्टूबर को आती है ना. तो इनका नाम कहाँ लिखा हुआ है? ABC. सी पर लिखा हुआ है लाल बहादुर शास्त्री. आप उनके साथ क्या लिखोगे? सी. ओके, देन सेकेंड पिक्चर. इसे तो जानते होंगे सब. She was a great social worker. Mother Teresa. Yes. She is the Mother Teresa. And first number is written here, Mother Teresa. She was a social worker. Now, picture 3. Who is he? Whose picture is that? Yes. That is a picture of Rabindranath Tagore. And who was Rabindranath Tagore? He was a great poet. He wrote our national anthem, Jan Gan Man. Who wrote our national anthem? Rabindranath Tagore. Isn't it? So, Rabindranath Tagore ka naam kiske likha hua hai? E. Fourth. ये तो सबको पता है, ये तो हमारे प्रेसिडेंट रहे हुए हैं और एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे. बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे और हमारे प्रेसिडेंट भी रहे. कौन थे बताया आपको? APJ अब्दुल कलाम. APJ अब्दुल कलाम. एंड ये तो एक प्लेयर, बेस्ट प्लेयर. सो यू ऑल नो द नेम, सानिया नेहवाल. Then, last picture is
पंडित रविशंकर। इस तरह से हमें इन सबको पहचान कर इनके नेम वाली लेटर्स इनके साथ लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, इंडिया वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्वाइस, वंस इन 1983 अंडर द कैप्टेंसी ऑफ कपिल देव एंड द सेकंड टाइम इन 2011 व्हेन महेंद्र सिंह धोनी लेड द टीम। हमारी क्रिकेट टीम इंडिया ने दो बार वर्ल्ड कप जीते थे, एक बार तो जब कपिल देव इसके कैप्टन थे और दूसरी बार जब महेंद्र सिंह धोनी इसके। नाउ लेसन टू, इसलिए मैं इसको पढ़ा रही हूँ क्योंकि हम अपनी इमेज की बुक में पढ़ चुके हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ईजी है। इसलिए मैं आपको सेकंड चैप्टर भी पढ़ा रही हूँ और अभी हमारी जीके की बुक ब्लड भी स्टार्ट हुई है, पहले किसी ने पढ़ाया ही नहीं, तो ये इजी चैप्टर है नेशनल सिंबल्स लेसन टू। नेशनल सिंबल्स जो हमने बेस के रूप में भी पढ़े थे और सब अच्छे से जानने लग गए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेशनल सिंबल्स गिव एन आइडेंटिटी टू द नेशन, एवरी नेशन हैज इट्स ओन सिंबल्स। हमने बेस के रूप में पढ़ा था सभी कंट्री के अपने अलग अलग सिंबल्स होते हैं, है ना। राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग नेशनल सिंबल्स ऑफ अ कंट्री, यूज हेल्प बॉक्स, आपके लिए हेल्प बॉक्स भी दे रखा है, बहुत इजी, अब तो आप आराम से लिख सकते हैं। फर्स्ट नेशनल फ्लावर, नेशनल फ्लावर क्या है हमारा नेशनल फ्लावर, लोटस, स्पेलिंग लिखी हुई है आपकी। नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग इज ट्राइकलर। देन नेशनल बर्ड, नेशनल ट्री, हमने बुक में पिक्चर्स भी बनाई थी कॉपी में ईवीएस की, बनियान, बनियान ट्री। एंड नेशनल एनिमल बंगाल टाइगर, कौन है ये, बंगाल टाइगर। Six, national fruit, ये सारा हमने हमारी इंग्लिश की बुक में पढ़ा था, आप इसे अपनी जीके की बुक में भी लिख लीजिए। द सॉन्ग जन गण मन इज अवर नेशनल एंथम, इट वॉज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। अभी आपने आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बता दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर की पिक्चर आई थी जब। द सॉन्ग जन गण मन इज अवर नेशनल एंथम, इट वॉज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। द प्लेइंग टाइम ऑफ द एंथम इज अप्रोक्सीमेटली 52 seconds। हमारा जो जन गण मन होता है उसे हमें 52 seconds में ही ख़त्म करना होता है, ज़्यादा लंबा नहीं गाना है, उसको इस तरीके से गाया जाता है कि वो 52 seconds में कंप्लीट हो जाना चाहिए, समझ में आया ना। तो आप ये बुक में कर लीजिए, ठीक है, और जीके की बुक में कॉपी में क्या करेंगे आप, होमवर्क ड्रो एनी टू नेशनल सिंबल्स एंड राइट देयर नेम्स। जीके की कॉपी में आप क्या करोगे, ड्रॉ एनी टू नेशनल सिंबल्स एंड राइट देयर नेम्स।
आप कोई से भी टू नेशनल सिंबल ड्रू करना और उसका नाम लिखना, सुंदर राइटिंग में नाम लिखेंगे और ड्रू करके उसमें अच्छे से कलर भी करना, ठीक है।